होम टू स्वयं ममता में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व आते ही घर में बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है। तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं, तरह तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और बहुत सारे फलाहार भी बनाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फलाहार जिसको हम फलाहार में भी उपयोग करेंगे और माता रानी के प्रसाद में भी उपयोग करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनाई गई बर्फी, जो कि हम करीब हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सिंघाड़े के आटे से बर्फी। सिंघाड़े के आटे की बर्फी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है। 100 ग्राम आटा लिया है तो हमने करीब 75 ग्राम चीनी ली हुई है और देसी घी करीब 50 ग्राम घी लिया हुआ है। इसके साथ में हमें और जो चीजें चाहिए पड़ेंगी गार्निशिंग के लिए, वो इसमें हमने बादाम लिया हुआ है कटा हुआ, किशमिश ली हुई है, काजू और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और चाशनी बनाने के लिए पानी, और जो हमें बर्फी बनाने के लिए उसको सेट करना पड़ेगा तो उसके लिए एक ग्रीसिंग की ही ट्रे। तो चलिए हम बनाते हैं अब अपनी बर्फी। एक भगोनी में हम पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं जिसमें कि हम चाशनी बनाएंगे। तो हमने ये जो पानी लिया हुआ है इसको हम गर्म होने के लिए डाल देते हैं। हमने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है और दूसरी कढ़ाई में हम अपने जो हमारा सिंघाड़े का आटा है हम उसको सेकेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको इसमें घी डाल देते हैं और फिर इसमें हम सिंघाड़े का आटा सेकेंगे। कढ़ाई में घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें आटा डाल लेते हैं और इसको स्लो आंच पर सेकते रहते हैं और इसको हमें लगातार चलाते हुए सेकना है जिससे कि ये बिल्कुल भी लगे नहीं और जलेगी नहीं। इसको हम इस टाइप से सेकते रहेंगे और ये हमने जो पानी बॉयल होने के लिए रखा है वो भी गर्म हो गया है। इसमें हम इस चीनी को डाल देते हैं और इससे हम एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। इसको हमें बिल्कुल स्लो गैस पर ही सेकना है। जितना अच्छे से हम आटा को सेकेंगे बर्फी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है, शक्कर घुल चुकी है और ये बिल्कुल साफ है। इसको अलग से क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गंदी होती है तो हम इसमें दूध डाल के इसमें जो बाहर गंदगी आ जाती है उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बिल्कुल साफ है तो इसमें हमें बिल्कुल कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है और चाशनी हमारी बन रही है। आटा को हम लगातार चलाते हुए सेकते रहेंगे। ये जो हमने इलायची पाउडर लिया हुआ है इसको हम चाशनी में ही डाल देंगे जिससे इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आटा भी लगभग हमारा सिक के तैयार होने वाला है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। आटा पूरी तरह से सिक गया है, इससे अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें जो हमने चाशनी तैयार की है इसको हम डाल लेते हैं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि कोई गोली नहीं पड़े इसके अंदर। अब ये हमारा बर्फी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे जिससे किशमिश थोड़ी सी फूल जाती है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं और उसमें घी का उपयोग करते हैं तो जब कढ़ाई में घी निकलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ पक चुकी है अच्छे से। इसके साथ ही हम इसमें काजू डाल देंगे
थोड़े से काजू हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और थोड़े से बादाम भी डाल देंगे। इसको करीब अभी हम 1 मिनट तक और चलाएंगे, जिससे इस अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये सिक गया है, तैयार हो गई है बर्फी बनाने के लिए। अब हम इसको एक ट्रे में पलट लेते हैं। गैस हमने बंद कर दी है, ट्रे को हमने पहले से ही ग्रीसिंग कर दिया था। अब हम इसमें इसको डाल देते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं अच्छे से पूरी ट्रे में। अब हम इसको करीब 10 मिनट तक ऐसे ही ट्रे में रखे रहेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पीसेस कट करेंगे। इसको इस टाइप से प्रेस कर करके हम पूरी ट्रे में फैला देते हैं, और जब हम प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट चिकना होता जाता है इसका। इससे जब हम बर्फी के पीसेस काटेंगे तो वो एक से और अच्छे कटेंगे। अब हमने जो थोड़ा सा काजू बचाया हुआ था वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। और इसको फिर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। ये हमारी बर्फी बनके तैयार है। अभी हम इसके इसको पीसेस में काटेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इसको 15 मिनट के लिए इसी स्थिति में रखना होगा, जिससे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। फिर हम इसको पीसेस में काटेंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको हम माता रानी के प्रसाद में भी उपयोग कर सकते हैं और फलाहार में भी उपयोग कर सकते हैं। इसको हम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये तैयार है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसको हमने करीब 15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए, ये बिल्कुल बनके तैयार है। इस टाइप से ये बनके तैयार है। अब हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये लीजिए, हमारी सिंघाड़े की बर्फी बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा और हमें बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू, ममता कुलदीप।